नया IBN 7 हौसला है। इस वक्त की अहम खबर है रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई, जहां रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। रेपो रेट अब 7.25 पॉइंट होगा। वहीं CRR में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और CNBC आवाज के संवाददाता नीरज वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज, ये साफ माना जा रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी ज्यादा बाउंस देखने को मिला है, साथ ही में जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो भी काफी अच्छी दिखाई दे रही थी, जिसके चलते माना जा रहा था कि कट यहाँ पे संभव है। हालांकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर सेक्टर की बात करें तो वो अभी भी काफी स्लगिज थे। देखिए, इसमें साफ तौर पे ये RBI ने अपने दिमाग में कंसिडर रखा है कि आगे जाते हुए इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है वो बढ़ सकती है, और इसीलिए उन्होंने अब से लेकर के जनवरी 2016 तक का जो उनका पहले का अनुमान था कि 5.8% तक रहेगी, उसको बढ़ा के 6% तक कर दिया। यानी उनको ये अंदाजा है कि शायद महंगाई यहाँ से आगे जाते हुए बढ़ सकती है, जबकि जो ग्रोथ का अनुमान था, जो GDP का अनुमान था, जो पहले 7.8% था, उसको घटा 0.6% कर दिया है। तो एक इन्वर्स रिलेशन बना है कि महंगाई बढ़ सकती है और ग्रोथ कम हो सकती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ब्याज दरों में कटौती की आगे गुंजाइश थोड़ा मुश्किल होगी। आज जो उन्होंने 4.5% कर दिया है वो आज की डेटा पॉइंट पे, यानी आज जो स्थिति है महंगाई और ग्रोथ की उसके आधार पर आप कर सकते हैं, लेकिन आगे की तरफ जो उनका इशारा है, जो वो महंगाई का अनुमान बढ़ा रहे हैं और ग्रोथ का घटा रहे हैं, उससे ये लगाना चाहिए कि आगे जाते हुए शायद रेट घटना मुश्किल होगा। इसको ऐसे ट्रांसलेट करके समझें कि बैंकों के सामने इस रेट कट का जो आज हुई कटौती, इसको पास ऑन करना, यानी आपका होम लोन, कार लोन, जो तमाम पर्सनल लोन या जो दूसरे लोन हैं उनको सस्ता करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये पास ऑन अगर वो करते हैं और आगे कोई कटौती नहीं होती है तो दिक्कत हो सकती है उनके लिए। बड़ा कारण ये है क्योंकि जो बारिश है वो समय पे हो नहीं रही है, थोड़ा सा लैकलस्टर है, एक चिंता ये हो सकती है RBI की। दूसरी चिंता ये है कि अमरीका में अब ये कहा जा रहा है कि अगर जून में 17-16 को नहीं होती है तो सितंबर की उनकी बैठक में ब्याज दरें वहां बढ़ेंगी, जिसका असर भारत पे जरूर पड़ेगा। तो इन 2-3 चीजों को ध्यान में रखते हुए RBI ने आज जो कटौती करी है वो बहुत मामूली है, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे का जो उन्होंने आउटलुक दिया वो बड़ी चिंता की बात है, कि ग्रोथ का आउटलुक कम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का आउटलुक बढ़ा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब होता है कि आगे कटौती में दिक्कत होगी। इसलिए ये जो कटौती आज हुई है ये सीधे ट्रांसमिट हो जाएगी और आपका होम लोन, कार लोन सस्ता हो जाएगा, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, यानी कि नीरज आप बताते हैं कि जो EMI होगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट पे कट की अगर बात करें तो उसमें कोई राहत बैंकों की तरफ से मिले ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। वजह ये भी देखी जा रही थी इस रेट कट को लेकर कि जो ऑटो सेक्टर है वो काफी बेहतर कर रहा था, जिसकी वजह से आशंका और कम हो रही थी। रेट कट तो जरूर होगा लेकिन इंटरेस्ट रेट कम हो, ये संभावनाएं पहले से ही बनी हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल, तमाम सारी ये अटकलें थी, संभावनाएं थी। और इसमें एक पॉइंट यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो अभी GDP के नंबर आए हैं कुछ दिन पहले, पिछले शुक्रवार को, वो 7.5% के आसपास दिखा रहे हैं, जो हमने पिछले दिनों उसके कैलकुलेशन का तरीका बदला था उसका इफेक्ट है। लेकिन आगे की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और ये पूरा साल जो 2015-16 वित्तीय वर्ष है, जो अब से लेकर के मार्च तक चलेगा, उसमें बहुत जरूरी है कि आपके सामने एक नजरिया होना चाहिए। तो बैंकों के सामने दिक्कत ये है कि उनके पास डिपॉजिट तो बहुत आ रहा है, डिपॉजिट की ग्रोथ काफी 14% के आसपास है, लेकिन जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो कर्ज लेने की बांटने की ग्रोथ है उनकी, वो 9% के आसपास है। उसकी बड़ी वजह यह है कि रेट अभी भी हाई है। अब तक RBI ने 0.5% ब्याज दर कम की है, रेपो रेट घटाया है। अब ये उम्मीद की जा रही थी कि इस रफ्तार को और बढ़ाएंगे RBI गवर्नर, लेकिन उनको, आपको याद होगा जब पिछली पॉलिसी में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मंथली बेसिस पे आपको देखने होते हैं, उनमें से एक ये महंगाई का आंकड़ा है, दूसरा आंकड़ा होता है GDP का, तीसरा होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो रिवाइवल दिखा है वो इस बात की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है कि जो अब तक सरकार ने एक साल में कदम लिए हैं उसका कुछ कुछ असर दिखना शुरू हुआ है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि RBI का पहला काम है महंगाई को कंट्रोल करना, और वो उसके लिए सबसे बड़ी चिंता है। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है तो पॉलिसी रेट वैसे ही कटते हुए आपको दिखेंगे। तो इस समय ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, बने रहिए नीरज हमारे साथ इस जानकारी के लिए, अहम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी मनोज सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं, न्यूज रूम से सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह की हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि रेट कट जरूर हुआ है, रेपो रेट यहाँ पे
0.25 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, लेकिन बैंकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि जो लेंडिंग रेट है उसमें ज्यादा उनके पास स्कोप नहीं रह जाता अगर रेपो रेट कम हुआ तो भी, जैसा कि नीरज भी बता रहे थे। इसलिए यहाँ पे आशंकाएं यही है कि जरूरी नहीं है कि इस कट के साथ ईएमआई भी आपकी कम हो। देखिए बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बैंकों के सामने बहुत सारे चैलेंज हैं और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनके पास जो इतना सारा धन है उसको उसका क्रेडिट जो है, यानी कि जो कर्ज देना है, कर्ज जब तक उनका बढ़ता नहीं है और उस पर उनको प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है, तब तक बैंकों को जो है जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग जो होती है उसको एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यानी कर्ज देने की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पीछे बैक ऑफिस काफ़ी सारा काम होता है, काफ़ी सारे खर्चे होते हैं बैंकों के। तो 0.25 बेसिस का रेपो रेट पे कट का बहुत ज़्यादा असर, अगर ये हम समझें कि तुरंत के तुरंत होम लोन पर पड़ेगा, तो वो कहना बहुत गलत होगा। दूसरा, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, ये दो तरह के बैंक। रिकवरी एंड सबड्यूड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट ग्रोथ, there is therefore a case for a cut in the policy rate today. However, of the risks to inflation identified in April, three still cloud the picture. First, some forecasters, notably the IMD, predict a below normal southwest monsoon. Astute food management is needed to mitigate possible inflationary effects. Second, crude prices have been firming amidst considerable volatility and geopolitical risks are ever present. Third, volatility in the external environment could impact inflation. Therefore, a conservative strategy would be to wait, especially for more certainty on both the monsoon outturn as well as the effects of government responses if the monsoon turns out to be weak. With still weak investment and the need to reduce supply constraints over the medium term to stay on the proposed disinflationary path, which is down to 4% in early 2018, we feel a more appropriate stance is to front load a rate cut today and then wait for data that clarify uncertainty. Meanwhile, banks should pass through the sequence of rate cuts into lending rates. So I think the policy today I would characterize as neither conservative nor aggressive. It's in some sense a Goldilocks policy, just right given the current situation. In addition, I hope to be able to announce a new set of bank licenses, at least one set of bank licenses, by August end. We are undertaking a review of all regulations governing markets to see where there is scope for further liberalization once macroeconomic uncertainty diminishes. We're also doing a deep scrutiny of all our past regulations in general to prepare a greatly simplified list of master circulars. Thank you. Happy to take questions. Well, thank you so much, Saloni from Bloomberg TV. Sir, in your last थ्री और आपको बता दें, यहाँ पर आप सुन रहे थे आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को, जो कि फिलहाल इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है उसकी क्या संभावनाएं बनी थी और किस वजहों से ये फैसला लिया गया रेट कट का, वो भी सिर्फ रेपो रेट में जो कट हुआ है उसके बारे में बता रहे थे गवर्नर साहब आरबीआई के। मनोज, आपने सुना यहाँ पे वही बात कह रहे थे जो हम भी रेखांकित करने की कोशिश कर रहे थे, आने वाले समय में महंगाई दर 6% के आसपास चली जाए अगर मॉनसून वीक रहा, ये तमाम वो संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं जो कि आरबीआई के सामने हैं, जिसके मद्देनज़र ये रेट कट ज़रूर हुआ। बैंकों के लेंडिंग रेट में कोई बदलाव होगा, संभावनाएं कम है। क्या आप ये मानते हैं कि इस बार का ये जो रेट कट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बड़ा सपना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए जो एक बड़ी बात कही गई है सरकार की तरफ से, उसको ध्यान में रखकर ये रेट कट? देखिए, ये कहना भी बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ भी बैंक जो कर्ज देता है वो कर्ज कम बहुत लंबी अवधि का कर्ज होता है, 10 से 15 साल के बाद उस कर्ज पर रिटर्न आने शुरू होते हैं। तो बैंकों के पास अगर इतना पैसा है, अगर वो अगर इंडस्ट्रियल कर्ज देने को तैयार हैं,
तब तो उसका फायदा होगा आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको, लेकिन अगर हम आम ग्राहक की फिर बात करें तो उसके पास इसका कोई फायदा होगा ये अभी दिखता नहीं है। गवर्नर साहब ने जो बात कही है वो सिर्फ ये कहा है कि देखिए ना तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसी रही है ना बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव पॉलिसी है, ये मौजूदा जो हालात हैं उसको ध्यान रखते हुए बड़ा ही कॉशियस क्रेडिट पॉलिसी उन्होंने की घोषणा करी है। तो इसका इम्पैक्ट भी आप ये समझिए कि ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत ज़्यादा कम होगा। इस वक्त जो हालात हैं अर्थव्यवस्था के, मानसून की जो प्रेडिक्शन है उसको ध्यान रखते हुए बाजार में लिक्विडिटी और कर्ज ग्राहक को मिले उस बात को ध्यान रखते हुए जितना उसको बैलेंस किया जा सकता था उतना बैलेंस्ड ये पूरा आपका क्रेडिट पॉलिसी रही है, इसमें और कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो एक मामूली बदलाव रिवर्स रेपो रेट में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था पर इमीडिएटली कुछ होगा। हाँ, ये कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं जो कुछ चीज़ों को रोकने और थामने के लिए किए जाते हैं, भविष्य में होने वाले कुछ बदलावों को पहले से आंक कर उनको रोकने के लिए होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाजार में भी इसका रिएक्शन जो दिख रहा है, फिलहाल स्टॉक मार्केट गिरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट से बात करें, जानकारों से बात करेंगे तो इस तरह के फौरी रिएक्शन होते हैं बाजार में, लेकिन इसका कुछ लंबी अवधि पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंबी अवधि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक और बात जो कि पूर्व में भी आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन कहते रहे हैं मनोज, और वो ये है कि वो इस बात से काफी झुंझलाए हुए हैं कि जो लेंडिंग रेट का कट है वो कई बैंक उसको सुचारू रूप से करते नहीं है, जिसकी वजह से जो मॉनिटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट बनी रहती है। तो क्या आपको लगता है कि इस रेपो रेट के कट के बाद और इस खिजलाहट और फ्रस्ट्रेशन के बाद जो कि जाहिर की है आरबीआई के गवर्नर ने, यहाँ पे बैंक कुछ इन बातों को ध्यान में ले जिससे कि कोई मामूली फर्क शायद हमें देखने को मिले? देखिए, वो तब होगा जब कर्ज लेने वाले ज़्यादा होंगे बाजार में। हमको लगता है कि हर आदमी को कर्ज की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से अगर आप हाउसिंग सेक्टर को देखें और बाकी जो सेक्टर है जहाँ पर कि कंज्यूमर सीधे कर्ज लेने आता है, अभी बैंकों के पास काफ़ी सारा पैसा है जो वो कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। आरबीआई ने कहा कि अगर आप हमें कर्ज के रूप में रुपया देते हैं तो हम आपको उस पर ब्याज कम कर देते हैं, हम आपको कम ब्याज नहीं देंगे। यानी बैंकों को डिस्करेज किया कि वो आरबीआई के पास पैसा रखें, यानी कि वो चाहते हैं कि जो है ग्राहकों को कर्ज दें। लेकिन बैंकों के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सिक्योर्ड लोन, उस तरह का कर्ज जो बाजार में सिक्योर हो, ऐसा उसमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर अभी भी मैं यही कहूंगा कि इसको बहुत ज्यादा उत्साह या बहुत ज्यादा हतोत्साह से देखने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम इस क्रेडिट पॉलिसी में जो फैसले आए हैं, जैसा कि गवर्नर ने खुद कहा, ये बहुत ही ज़्यादा उत्साह में आकर की गई क्रेडिट पॉलिसी नहीं है और बहुत ज़्यादा पीछे हटकर की किए गए फैसले नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हालात को देखते हुए। बिल्कुल मनोज, और इस बात को सही तरीके से रेखांकित कर रहे थे जो बात आप कह रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर ने साफ कहा है कि आने वाले महीनों का इंतजार उनको भी इस रेट कट के बाद कि किस तरफ रुख उनको देखने को मिलेगा, और शायद उसके बाद सही तस्वीर हम सबके सामने होगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी।